शाहपुरा क्षेत्र के लसाड़िया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को छात्र छात्राओं ने ताला जड़कर प्रदर्शन किया तथा शिक्षकों की मांग की। 1 से 12 कक्षाओं का विद्यालय होने के बावजूद भी शिक्षा व्यवस्था लड़खड़ाती दिखाई दे रही है। पूर्व सरपंच संजय मंत्री ने बताया कि वर्तमान में 13 शिक्षकों की कमी है तथा बिल्डिंग 40 साल पुरानी है। वहीं विद्यार्थियों का कहना है कि सरकारी बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है, छत टपकती है, बैठने के लिए टेबल कुर्सी भी नहीं है तथा कमरे भी पूरे नहीं है। जानकारी के अनुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहले 5वीं तक था, फिर 8वीं कर दिया और अब 12वीं तक हो गया, लेकिन कमरे और विद्यालय भवन वही पुराना है, कोई नया निर्माण नहीं हुआ है, जिससे विद्यार्थियों को बैठने में भी परेशानी आ रही है। वहीं विद्यार्थियों का कहना है कि विज्ञान, हिंदी, राजनीति विज्ञान, गणित, अंग्रेजी सहित 13 विषयों के शिक्षक नहीं है, इसके अलावा प्रधानाचार्य भी नहीं है। नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो। राम गोस्वामी, मैं सापरा तहसील के ग्राम पंचायत लसाड़िया गांव से हूँ। हमारे गांव में स्कूल 12th तक है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लसाड़िया। उसमें हमारे टीचर नहीं है। तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम की हमारे टीचर नहीं है। एक तो गणित का टीचर नहीं है और साइंस का टीचर नहीं है और संस्कृत का टीचर नहीं है और राजनीति विज्ञान का टीचर नहीं है, हिंदी अनिवार्य का टीचर नहीं है। तो हमारे बहुत प्रॉब्लम आ रही पढ़ने के लिए, हमारे टीचर भेजे। और प्लस बात की हमारे जो स्कूल है वो उस स्कूल में एक तो ऊपर जो हम क्लास में बैठते हैं ना, वो बैठने की व्यवस्था भी सही नहीं है। हम नीचे बैठते हैं और ऊपर से पानी गिरता है, तो हम कैसे बैठे? और प्रिंसिपल भी नहीं है और हमारे चपरासी भी नहीं है जो व्यवस्था है। मैं पूरी स्कूली मतलब इसे खंडर हो रही है। सर, गांव में 12वीं तक की स्कूल होती है, उसमें हर क्लास में एक एक क्लास टीचर होना चाहिए। पूरी स्कूल में 6 टीचर है, उसमें से भी एक वाइस प्रिंसिपल है, तो 5 टीचर कैसे व्यवस्था करें? और रही बात जो हमारे स्कूल के अंदर छोटी स्कूल भी छोटी है, जैसे 8वीं तक 12वीं तक तो बड़ी होनी चाहिए, वो छोटी स्कूल है। और जो ग्राउंड है प्रार्थना स्थल, उसमें भी बरसात आती है तो उसमें पूरा पानी भर जाता है, इतने घुटने घुटने तक पानी आ जाता है। और प्लस बात जो रही उनमें भी हमने खेलने के लिए कहाँ खेले, मैदान में तो बबूल उगे हुए हैं बड़े बड़े, जो खेलने के लिए है ना उनके लिए हमने खुद हमारे स्टूडेंट हमारे एक दूसरे से पैसे लेकर जो मिट्टी डलवाई है उसमें, वो भी कुछ नहीं हो रहा उससे भी। तो ये सर जो कुछ नहीं, मैदान को ठीक करवाए और जो मैदान के गुड्डा कबड्डी खेलने के लिए तैयारी के लिए वो करवाए। रोज क्लास में कोई भी व्यवस्था नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, लाइट नहीं है, बाहर खिड़कियाँ खोले तो बारिश के दिनों में बरसात बोझाट आती है। तो हम यही विनती करते हैं आपसे कि हमारे स्कूल की व्यवस्था अच्छी करवाए और टीचर भेजे।